डॉक्टर सी के प्रसाद जिला प्रत्यक्ष पदाधिकारी सुपौल के सभी नागरिकों का नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुपौल के सभी नागरिक सब तरह से स्वस्थ रहे, अर्थ से, धन से और बल से स्वस्थ रहे और 2020 का साल उसके लिए सर्वोत्तम हो। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनय कुमार इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर संपूर्ण बिहारवासी एवं सुपौल जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं एवं आशा करता हूं कि इस नए साल में नई किरण एवं नई उमंग के साथ आपके जीवन में नई खुशियां आए। धन्यवाद। कहने के लिए तो ठंड का मौसम बहुत देर से आई, किंतु देर से आई दुरुस्त आई। चंद दिनों में ही अपनी ऐसी प्रभाव दिखाई कि बच्चे बूढ़े जवान सभी ठंड के असर से कांप उठे। शाम होते ही बाजार में सन्नाटा कायम हो जाता है। लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर रजाई में समा जाते हैं। सुपौल सदर में देर रात्रि जब आम लोग मौसम की विकराल रूप देखकर अपने घरों में दुबके हुए थे, उस वक्त जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, पुलिस कप्तान मनोज कुमार, RSM सचिव युगल किशोर अग्रवाल, अस्पताल, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेन बसेरा में गरीब असहाय मजबूरों के बीच जाकर कम्बल वितरण कर रहे थे। देखें महेंद्र कुमार ने क्या कहा। ये सर क्या हो रहा था? राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के द्वारा आज जो भी निर्धन असहाय लोग हैं उनको शहर उनके बीच शहर में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। भविष्य में भी ऐसे जो निर्धन परिवार हैं उनकी सूची बनाकर आगामी 3-4 दिनों के अंदर और भी अधिक परिवारों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा। ये राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति सुपौल की ओर से गरीब व्यक्तियों के बीच कंबल वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने हॉस्पिटल, मालगोदाम, रेलवे स्टेशन और कई झोपड़ी झोपड़ियों में हम लोगों ने देने का काम किया है और भविष्य में भी हर वार्ड से ऐसे गरीब तबके के लोग कर चुनकर हमने कार्यक्रम तय करना चाह रहे हैं जो 2-3 दिन के अंदर में ये संपन्न होगा, जिसमें शहर के सैकड़ों गरीबों को हम कंबल देने की योजना हम बना चुके हैं और 3-4 दिन के अंदर ही हम उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जहां अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है, जिला पदाधिकारी महोदय को मैंने अभी भी कहा है और मैं कल इससे संपर्क करके और सिविल SDO और BDO से संपर्क करके जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं उसको अविलंब में करवाने का काम करूँगा। अगर ऐसी आवश्यकता होगी तो राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति भी उसके लिए राशि उपलब्ध कराकर हर जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करें। रामचंद्र कुमार संपूर्ण जिलेवासी और राज्यवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और इस नए साल में सभी लोगों की जिंदगी में नई खुशियां और उमंग आए, साथ ही स्वस्थ और सुलभ नगरवासी बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर रंजन कुमार
डेंटल सर्जन सुपौल की ओर से संपूर्ण बिहारवासी, सुपौलवासी और देशवासी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नववर्ष आपके लिए सुख समृद्धि, धन वृद्धि और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो।